प्रकृति में वातावरण के बदलाव के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो मुख्य रूप से सर्दी बुखार जैसे लक्षण सभी में दिखाई देते हैं, जिसके चलते गोंदिया के डेन कुसुमकर घोरपड़े ने सभी को एहतियात बरतने का आह्वान किया है। गोंदिया जिले में जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दी बुखार खांसी जैसी बीमारियों के मरीज बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकारी कॉलेज के डीन ने अपील की है कि लोग इसे लेकर सावधान रहें, गर्म पानी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, जरूरी दवा लें और जरूरी हो तो ही बाहर निकले। हालांकि संक्रमण रोग के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जिले में फिलहाल कोविड का कोई खतरा नहीं है, ये भी गोंदिया के डीन कुसुमकर घोरपड़े ने बताया है। सद्यस्थितीमध्ये वातावरणामधील जो बदल आहे, थंडी ता ऊन वगैरे जो राहते, त्याच्यामुळे संसर्गजन्य आजार उद्भवण्याचे चान्सेस जास्त असतात। त्याच्यामुळे यामध्ये सर्दी, खोकला, ताप अशा प्रकारचे रुग्ण हे OPD-मध्ये जास्त येण्यास सुरुवात झालेली आहे। परंतु यापासून रुग्णांनी अतिथंडीमध्ये जाणे टाळावे, त्यासोबतच गरम पाण्याचा वापर करावा पितांना आणि औषधोपचारांनी हे सर्व बरं होऊ शकतं। सध्या जे आजार आहे तो फ्लूसारखा आजार आहे, परंतु याच्यामध्ये कोविडचं कुठलेही लक्षण नाही। ब्युरो रिपोर्ट, NBC न्यूज।